हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लॉग बैक नया डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, हमने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिए। मैं आप ब्लाउज का साइज आती हूँ आपको। देखिए, इसकी जो लंबाई ली हमने 15 इंच ली, तैयार में 14 इंच आएगी। और देखिए, हमें 34 साइज बना रहे, तो डबल फोल्ड में 8.5 इंच लिए और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर में 6 इंच लिए, मुंडे में 6 इंच लिए और उसमें 1.5 इंच की गुलाई दी है। और देखिए, जो हम डिजाइन हम कट करेंगे वो लाइनिंग पे कट करेंगे, तो ब्लाउज हम साइड में रख लेते हैं। देखिए, शोल्डर से 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 3 इंच लेंगे और हम 1 इंच की गुलाई देंगे। देखिए इसमें, और देखिए यहां से हम 2.5 इंच का गैप देंगे इसमें। यहां से हम 3.5 इंच लेंगे इस तरह, और इसकी लंबाई लेंगे वो 6.5 इंच लेंगे। और देखिए यहां से हम इसमें इस तरह गुलाई देंगे। इस तरह सेम टॉपिक हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह में कट कर लिए। देखिए, इस तरह में जो है ना ब्लाउज सीधा रखा है और इसके ऊपर इस तरह लाइनिंग रखेंगे हम। जो हमारा बीच बना के इस तरह हम पूरे में पिन से सेट कर लेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। फिर बीच का हम कट कर देंगे, फिर पलट देंगे अंदर में से। ऊपर के लिए हम कैनवास और नेक पट्टी कट करेंगे। देखिए, मैंने कैनवास और नेक पट्टी कट कर लिए। कैनवास की चौड़ाई हमने 1 इंच ली और नेक पट्टी की चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। देखिए, कैनवास मैंने डबल फोल्ड कर लिए और जो हमारा बीच का ड्राफ्ट निकला था, देखिए इसकी जो लंबाई ली हमने 6.5 इंच ली है, तो इसकी हम 7.5 इंच लेंगे। हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह। और देखिए, इसकी चौड़ाई ली हमने वो 3.5 इंच ली है, तो इसकी हम 2 इंच लेंगे। इस तरह, और देखिए इसमें हम इस तरह गुलाई देंगे। सेम टॉपिक से हम कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह में कट कर लिए। अब सेम राफ के लाइनिंग पे ब्लाउज पे कट करेंगे हम। देखिए, इस तरह में तीनों कट कर लिए। नीचे हम ब्लाउज वाला कपड़ा रखेंगे। देखिए, इस तरह सीधा इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम कैनवास रखेंगे और इस तरह हम पूरे में सिलाई लगाएंगे नीचे तक। ऊपर हम खुला छोड़ेंगे और साइड से हम पलट देंगे ऊपर से। नीचे मैंने नेक पट्टी रखी है, ऊपर कैनवास रखी है और इसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। इस तरह फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह हमने नेक पट्टी तैयार कर ली है। देखिए, जो हमने बीच में कट किया था इस तरह रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह हमने सिलाई लगा दी और जो हमारे कोने आ रहे हैं हम कट मार देते हैं। इस तरह में कट मार दिए, इस तरह हम पलटेंगे इसे।
देखिए इस तरह, देखिए इस तरह में पिन से सेट कर लिया, इसमें हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह में पूरे में सिलाई लगा दी, बीच का हम कट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया, इसे हम अंदर फोल्ड कर देंगे इसे। देखिए इस तरह मैंने पलट लिया, इसके ऊपर हम पूरे में सिलाई लगा। देखिए इस तरह मैं सिलाई लगा दिए, अब जो हमारे ऊपर का नेक है इसे हम कट करेंगे। देखिए इस तरह ऊपर का नेक कट कर लिया, और जो हमने नेक पट्टी तैयार की थी इस तरह रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे राउंड में। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दिए, इसे हम अंदर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देते हैं। देखिए मैं ऊपर सिलाई लगा दी, नीचे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए नीचे में फिनिशिंग दे दिए। देखिए अब हम लेस लगाएंगे गोल्डन कलर की। देखिए इस तरह जो हमारा नेक है इस तरह रखेंगे बीच में और पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने नीचे पूरे में लेस लगा दी है। देखिए इसकी जो चौड़ाई है 2 इंच आ रही, देखिए हमारी, और हम 2-2 इंच पे पूरे में निशान लगा लेते हैं राउंड में। देखिए इस तरह में निशान लगा लिया और इसके ऊपर हम इस तरह लेस लगाएंगे। देखिए अब हम ऊपर लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह ऊपर नेक पे भी लेस लगा दिए, कि जो हमारा बीच वाला पैच था इसमें भी हम इस तरह लेस लगाएंगे पूरे में। देखिए इस तरह मैंने लेस लगा दिए, अब ब्लाउज में अटैच करेंगे इसे। हम बीच में रखेंगे और हम 1/2 इंच ऊपर दबा देंगे इसे, और हम इस तरह नीचे भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए पिन से सेट कर लेते हैं हम ऊपर। इस तरह हमने पिन से सेट कर लिया, ऊपर सिलाई लगा देते हैं हम। देखिए नीचे भी हम सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी, तो देखिए हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया। देखिए मैंने जो फिनिशिंग दे दी, प्लेट भी डाल दी, नॉर्मल जैसे 4 इंच लंबी प्लेट डालते हैं। और देखिए हम हमने 3 बटन भी लगा दिए रेड कलर के, तो देख सकते हैं कितना सुंदर फॉर्म है ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना।